हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि RRB JEE एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिस क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं हर रोज़ तो आपका जो नेक्स्ट GE RRB के जो एग्ज़ाम होने वाला है आपको वहाँ पे बहुत सारे हेल्प मिल जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपको कॉमन मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद ही आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरह से आप वो पेपर जो कि आप पा सकते हैं, पेपर को किस तरह से सॉल्व करना होगा, किस तरह से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल्स में। तो दोस्तों, जो लोग RRB JEE या जूनियर इंजीनियर के लिए एप्लीकेशन कर दिया है, जो लोग एप्लीकेशन कर दिया है, जो लोग एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं नीचे जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते। उसके साथ साथ आप उस पेपर को आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट RRB के जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम होने वाला है आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्योंकि अब लोग सभी लोग जानते हैं कि RRB के एग्ज़ाम जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम से प्रीवियस एग्ज़ाम के जो पेपर होता है वहाँ से बहुत सारे जो कि क्वेश्चन कॉमन आता है, जिसके लिए मैं आप लोगों को एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि जिस क्वेश्चन को आप यहाँ पे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हर साल के जो एग्ज़ाम पेपर है आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके उसको अगर प्रैक्टिस करते हैं हर रोज़ तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कि हेल्प मिल सकती है। इसके साथ साथ आपका जो क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो भी आप बहुत अच्छे से जाएगा। तो पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि RRB GE प्रीवियस ईयर पेपर द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB हैज़ रिलीज द JEE नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन इंडियन रेलवे। अ टोटल ऑफ 13,487 वैकेंसी हैव बीन अनाउंस्ड दिस ईयर। दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर सीकिंग गवर्नमेंट जॉब। द इंडियन रेलवे इज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर बिकॉज ऑफ द हाई RRB JEE सैलरी एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन इट ऑफर्स। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिपरेशन फॉर RRB JEE रिक्वायर्स वन ऑफ हैव अ क्लियर नॉलेज ऑफ RRB JEE सिलेबस एंड RRB JEE एग्जाम पैटर्न शुड बी थ्रू विथ देम एंड देन प्लान योर प्रिपरेशन। मेक श्योर योर इंक्लूडिंग सॉल्विंग RRB JEE प्रीवियस ईयर पेपर इन योर प्लान। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू सिक्योर योर गुड स्कोर इन द एग्जाम। इन दिस आर्टिकल विल बी प्रोवाइड योर विथ RRB JEE प्रीवियस ईयर पेपर इन द PDF फॉर योर डाउनलोड एंड प्रैक्टिस। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लियरली जो कि बोला गया है कि अगर आप ये प्रीवियस जो ईयर के एग्ज़ाम पेपर है अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है RRB के JEE, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कि आपको हेल्प मिल सकते, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन आपको मिल सकते। सॉल्विंग RRB JEE प्रीवियस ईयर पेपर विल बी अ ग्रेट बेनिफिट फॉर यू टू इट विल मेक यू अवेयर ऑफ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम। यू विल गेट यूज टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड। इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द टॉपिक फ्रॉम द व्हिच आर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली एंड हेंस एन इम्पॉर्टेंट यू विल गेट नो टू हाउ वेल प्रिपेयर यू आर, वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड हाउ मच यू आर लाइकली टू स्कोर इन द एक्चुअल एग्जाम। You are overall test taking strategy including time management and question section will improve. You will identify your strength and weakness so you see why solving RRB JEE previous year papers are utmost importance and why you must practice them if you want टू गो गुड स्कोर हायर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ईयर जो की है मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिसमें ईयर में आपको यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो पेपर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा हर एक ईयर के, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते क्वेश्चन पेपर, उसके बाद आप लोग वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।